साउंड टैब। अभी तक हमने कीबोर्ड टैब के बारे में स्टडी किया था पिछली वीडियो में। कीबोर्ड टैब के अंदर आपकी स्टिकी कीज थी, फिल्टर कीज थी एंड टोगल की के बारे में हमने स्टडी किया। अब हम बात कर रहे हैं साउंड टैब के बारे में। साउंड टैब में आपने करना क्या है, सबसे पहले हम साउंड टैब को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी विद ऑप्शंस टू कॉन्फ़िगर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस फॉर साउंड। फर्स्ट इज साउंड सेंट्री। साउंड सेंट्री इज डिज़ाइंड टू हेल्प यूजर्स विद ऑडिटरी इम्पेयरमेंट्स। जिन यूजर्स को ऑडिटरी इम्पेयरमेंट होती है, कुछ सुनने में इम्पेयरमेंट होती है, तो उस केस में हमारी साउंड सेंट्री कीज हेल्प करती हैं इस प्रॉब्लम को दूर करने में। साउंड सेंट्री क्या जनरेट करती है, विजुअल वार्निंग्स जनरेट करती है सच एज अ ब्लिंकिंग टाइटल बार और अ फ्लैशिंग बॉर्डर व्हेनेवर द कंप्यूटर जनरेट्स अ साउंड। इस केस में जिन पर्संस को ऑडिटरी इम्पेयरमेंट्स हैं उस केस में एक विजुअल वार्निंग्स हमारी जनरेट होती है, जैसे कि हमारा कुछ टाइटल बार ब्लिंक करेगा उस जगह पर या कोई फ्लैशिंग बॉर्डर दिखाई देगा, तो जहाँ पर भी हमारी साउंड का जनरेट होती है उस केस में हमारी विजुअल वार्निंग्स जनरेट होंगी। तो इसको करना क्या है, सबसे पहले हम साउंड टैब पर क्लिक करेंगे एंड देन साउंड सेंट्री में जा करके यू साउंड सेंट्री को इनेबल कर देंगे, चेक करेंगे इसे चेकबॉक्स पर। Doing so activate a drop-down list where from you can use the type of visual warning desired। जब आप इसे चेक कर लेंगे तो आप यहाँ से जाकर के अपने अकॉर्डिंग जिस भी तरह की आप विजुअल वार्निंग चाहते हैं उस टाइप को इनेबल कर सकते हैं एंड देन आप क्लिक करेंगे अप्लाई पर एंड देन आप क्लिक करेंगे ओके बटन पर। फॉर अंडरस्टैंडिंग साउंड सेंट्री यू नीड टू क्रिएट एन एरर। क्लिक स्टार्ट रन टाइप नोट पैड इंस्टीड ऑफ नोट पैड। ये कह रहे हैं कि अगर आपको साउंड सेंट्री को अंडरस्टैंड करना है तो आपको खुद से ही एक एरर करना है क्रिएट, जिससे कि आप स्टार्ट में जाइए रन में जाकर के आप नोटपैड मत लिखिए, नोटपैड की जगह आप सिर्फ नोट लिख दीजिए। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ रिपीटेड कैरेक्टर जो हैं मतलब कि आपको एक विजुअल वार्निंग दिखाई देगी, या फिर आप कुछ रिपीटेड कैरेक्टर्स नोटपैड में लिख दीजिए तो आप देखेंगे कि आपको डेस्कटॉप पर कुछ फ्लैश फ्रिक्शन कुछ टाइम के लिए दिखाई देगा, कुछ विजुअल एरर्स आपको दिखाई देंगे। तो आप डिसेबल भी कर सकते हैं साउंड सेंट्री ऑप्शन को। यूज साउंड सेंट्री को आपने अनचेक करना है एंड देन आप क्लिक करेंगे अप्लाई पर एंड देन क्लिक करेंगे ओके पर। सो जिन भी पर्संस को विजुअल सॉरी ऑडिटरी इम्पेयरमेंट्स होती हैं उस केस में हम साउंड टैब के अंदर साउंड सेंट्री का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है शो साउंड्स। शो साउंड्स इंस्ट्रक्ट्स एप्लीकेशंस दैट कन्वे इंफॉर्मेशन बाय साउंड टू ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विजुअली थ्रू टेक्स्ट कैप्शंस और इंफॉर्मेटिव आइकन्स। जो हमारा शो साउंड का ऑप्शन है साउंड टैब के अंदर, वो कुछ एप्लीकेशंस को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे करें साउंड के द्वारा भी और विजुअली भी करें, दोनों तरीके से करें, मीन साउंड से भी करें एंड विजुअली भी करें, लाइक इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट कैप्शंस और इंफॉर्मेटिव आइकन्स। इसको इनेबल करने के लिए आप चेक करेंगे यूज शो साउंड ऑप्शन पे अंडर साउंड टैब एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई एंड देन क्लिक ऑन ओके। सो हमारा साउंड टैब के अंदर दो तरह की कीज के बारे में पढ़ा, साउंड सेंट्री एंड शो साउंड। साउंड सेंट्री में क्या था, जिनको भी ऑडिटरी इम्पेयरमेंट्स होती हैं उसके इसमें विजुअल वार्निंग जनरेट हो जाती हैं एंड शो साउंड्स में हमारी ऑडियो एज वेल एज विजुअल हमारी जो नोटिफिकेशंस है हमारी वो शो होती हैं। नेक्स्ट हमारा है डिस्प्ले टैब। डिस्प्ले टैब के लिए हम सबसे पहले डिस्प्ले टैब पर क्लिक करेंगे। करने के बाद हमारे पास एक विंडो विद ऑप्शंस जो उसके अंदर है एक्सेसिबिलिटी के वो डिस्प्ले हो जाएंगे। सो फर्स्ट हमारा इसके अंदर है हाई कंट्रास्ट डिस्प्ले। जिस भी पर्सन को कुछ देखने में कुछ मतलब किसको छोटा छोटे वर्ड्स दिखाई नहीं देते, डिस्प्ले में प्रॉब्लम होती है, उस केस में हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं एक्सेसिबिलिटी के अंदर, जैसे कि हाई कंट्रास्ट। हाई कंट्रास्ट हमारा एक एक्सेसिबिलिटी फीचर है जो उन पर्संस को हेल्प करता है जिनको विजन इम्पेयरमेंट होती है। सो इस केस में हम अपनी
जो फॉन्ट है उसके साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कुछ लाइट लेके हम डार्क कर सकते हैं, बैकग्राउंड भी हम अपने अकॉर्डिंग जो हमें इजी है दिखने में उसके अकॉर्डिंग हम चेंजेस कर सकते हैं। सो डिस्प्ले टैब के अंदर जा करके हमें हाई कंट्रास्ट, यूज हाई कंट्रास्ट को चेक करना है, इनेबल करना है, और अगर हमें इसके अंदर कुछ सेटिंग्स चेंज करनी है तो वहाँ से भी जाके कर सकते हैं। एंड देन अप्लाई पर क्लिक करेंगे एंड देन ओके पर क्लिक करेंगे। आप ये करके देख सकते हैं, इस ऑप्शन को ऑन करके आप डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस देख सकते हैं। डिसेबल करने के लिए हम वापस से हाई कंट्रास्ट यूज़ बटन को अनचेक कर देंगे एंड देन अप्लाई पर क्लिक करेंगे एंड देन ओके पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर ऑप्शन होता है कर्सर ऑप्शन। कर्सर ऑप्शन इज ऑल्सो एन एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट असिस्ट पीपल विद विजन इम्पेयरमेंट्स बाई चेंजिंग द ब्लिंक रेट एंड द विड्थ ऑफ द कर्सर। जो हमारा कर्सर होता है आपने देखा होगा ये हमारा जैसे कर्सर है, तो इसके हम ब्लिंक रेट को भी इंक्रीज कर सकते हैं कि ये काफ़ी देर तक रहे पहले ही एकदम से ब्लिंक ना हो। इस कर्सर के हम विड्थ को भी इंक्रीज कर सकते हैं उन पर्सन्स के लिए जिसे विजन इम्पेयरमेंट्स होती हैं। एक तो ताकि हम हाई कंट्रास्ट कर देंगे, फॉन्ट कलर चेंज कर देंगे, फॉन्ट साइज चेंज कर देंगे, इस तरह से हम कर्सर ऑप्शंस को भी चेंज कर सकते हैं उन पर्सन्स के लिए जिनको विजन इम्पेयरमेंट होती है। हम कर्सर ब्लिंक की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। हम स्लाइडर, एक स्लाइडर हमें मिलेगा इसमें जिससे हम इसकी स्पीड को घटा या बढ़ा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स पर। इसी तरह से हम कर्सर की विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं बाय मूविंग दी विड्थ स्लाइडर बैक एंड फोर्थ। नेक्स्ट इस माउस टैब। माउस टैब के अंदर हमारी यूज होती है माउस कीज। माउस कीज इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट असिस्ट पीपल हु हैव डिफिकल्टी यूजिंग अ माउस। जिन भी पीपल्स को माउस को हैंडल करने में डिफिकल्टी होती है उस केस में हमारी माउस कीज एक एक्सेसिबिलिटी फीचर के यूज थ्रू हमारी हेल्प करती हैं। दिस ऑप्शन यूज द कीबोर्ड। इस केस में हम कीबोर्ड का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ माउस, बिकॉज जिन पर्सन को माउस को हैंडल करने में डिफिकल्टी है तो उस केस में हमारा कीबोर्ड माउस की तरह यूज होता है। स्पेशली न्यूमेरिक कीपैड एक्ट एज एन पॉइंटिंग डिवाइस इंस्टेड ऑफ अ माउस। सिलेक्ट द माउस टैब। सबसे पहले माउस टैब को सिलेक्ट करेंगे, वहाँ पर आपको एक विंडो विद कन्फिगर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन दिखाई देगा। माउस कीज को आप इनेबल करेंगे, यूज माउस की पर हम चेक करेंगे एंड देन क्लिक करेंगे अप्लाई पर एंड देन क्लिक करेंगे ओके बटन पर। तो इस केस में जैसे हम करेंगे तो हमारी जो न्यूमेरिक पैड है उसका हम यूज़ करेंगे एज अ माउस। जैसे कि हमारी नंबर की जो 4 होती है वो हमारा लेफ्ट मूवमेंट के लिए काम करेगी, 6 हमारा राइट मूवमेंट के लिए काम करेगी, 2 डाउन जाने के लिए एंड 8 मूव अप करने के लिए। आप माउस कीज को डिसेबल भी कर सकते हैं अगर आपके यूज़ में नहीं है। आप अनचेक कर दीजिए यूज़ माउस कीज को एंड देन अप्लाई पर क्लिक करिए एंड देन ओके पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा है जनरल टैब। दिस टैब इनेबल्स यू टू कन्फिगर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस फॉर ऑल यूजर्स। ये जरूरी नहीं है कि हम कोई डिसेबल पर्सन है वही इसका यूज़ करेगा, ऑल यूजर्स इसका यूज़ कर सकते हैं, अपनी एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस को कन्फिगर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जनरल टैब को सिलेक्ट करेंगे, करने के बाद आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दिखाई देंगे। तो इस तरह के आप ऑप्शन को देख सकते हैं, जैसे कि टर्न ऑफ एक्सेसिबिलिटी फीचर्स आफ्टर आइडल फॉर, गिव वार्निंग मैसेज व्हेन टर्निंग अ फीचर ऑन, कि हम जैसे किसी फीचर को ऑन करें तो हमारे सामने एक वार्निंग मैसेज आए, मेक अ साउंड व्हेन टर्निंग अ फीचर ऑन और ऑफ, जब हम किसी भी फीचर को ऑन या ऑफ करें तो हमें एक साउंड एमिट हो, इस तरह के फीचर्स को आप जनरली भी चेक कर सकते हैं। नाउ चेक दिस फीचर्स वन बाय वन एंड सी व्हाट हैपन्स। तो आप इस तरह के फीचर्स को ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है सीरियल कीज। सीरियल कीज इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट असिस्ट पीपल दैट हैव डिफिकल्टी यूजिंग अ कीबोर्ड एंड अ माउस बोथ। वो पर्सन जिनको अब डिफ़िकल्टी होती है कीबोर्ड को यूज़ करने में भी और माउस को, दोनों को यूज़ करने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उस केस में हमारी सीरियल कीज हमें हेल्प करती है। दे कैन यूज़ स्पेशल डिवाइसेस। इस केस में हमारे स्पेशल डिवाइसेस यूज़ होते हैं, जैसे कि सिप, पफ एंड ब्रीथ स्विचेस। सिप, पफ एंड ब्रीथ स्विचेस
टू प्रोवाइड इनपुट टू द कंप्यूटर थ्रू सीरियल पोर्ट्स। आप इस डिवाइस का यूज़ करके इनपुट देते हैं अपने कंप्यूटर को थ्रू सीरियल पोर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, सिपिंग ऑन द ट्यूब एक्टिवेट्स वन डिवाइस वाइल पफिंग ऑन द सेम ट्यूब एक्टिवेट्स अनदर। जब आप सिप कर रहे हैं तो आपका वन डिवाइस एक्टिवेट हो रहा है, बट अब जब आप पफिंग कर रहे हैं तो आपका उसी सेम ट्यूब से अनदर एक्टिवेट हो रहा है। Apply all settings to logo on desktop can be used to apply configured accessibility options to this user at logo। जैसे आप लॉग इन करेंगे तो आपको इस तरह के जो सेटिंग्स हैं वो आपको अप्लाई हुई दिखाई देंगी। Apply all settings to default for new users can be used to apply configured accessibility options to all users through a पर्टिकुलर कंप्यूटर। तो एक पर्टिकुलर कंप्यूटर पे अगर हमने इस तरह के कुछ फंक्शंस को इनेबल किया हुआ एक्सेसिबिलिटी के, तो हमारा जो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन जो कंप्यूटर को यूज़ करेंगे वो भी इस एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।